सब्ट्रैक्टर जो है उसको स्टडी करेगा। ये हाफ सब्ट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम है और ये उसका लॉजिक डायग्राम। इसमें आप देखिए उसी तरह से एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट है और एक एंड गेट, लेकिन फर्क क्या है हाफ सब्ट्रैक्टर और हाफ एडर के सर्किट में, कि इसकी एक इनपुट जो है एंड गेट की उसके ऊपर एक इन्वर्टर लगा दिया है और इस इन्वर्टर के फर्क की वजह से ये जो पहले एडिशन कर रहा था अब सब्ट्रैक्शन करना शुरू कर दिया। और क्या फर्क है कि यहां पर वही ए और बी है लेकिन यहां पर डिफरेंस और बारो, वहां पर सबमिशन और कैरी था, यहां पर सबमिशन की जगह पे डिफरेंस और कैरी की जगह पे बारो आ गया। और ये जो है ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल में उसी तरह से इनपुट्स ठीक है जी और आगे आउटपुट्स जो है उनमें सबमिशन और जो है कैरी की जगह पे डिफरेंस और फॉरवर्ड। ये चार चीजें जो है हमने इस सर्किट की अंदर से प्रूव करके वहां पे टेबल में ऐड करेंगे। ये हमें चाहिए इस तरह से सब्ट्रैक्शन जरा होनी चाहिए कि जीरो में से जीरो को माइनस करें तो जीरो आना चाहिए और जीरो में से वन माइनस करने के लिए आपको एक बारो चाहिए, तो वन जीरो में से आप वन को माइनस करेंगे तो आपके पास वन आना चाहिए, वन में से जीरो को माइनस करेंगे तो वन और वन में से वन को माइनस करेंगे तो जीरो। अब देखते हैं कि इस सर्किट को हम ये वाली इनपुट्स जो है ए और बी की अप्लाई करते हैं तो हमें क्या आंसर जो है वो मिलते हैं। हम यहां पे ये वाली जो कंडीशन है जीरो जीरो अप्लाई करते हैं यहां पे जीरो जीरो, तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट को जब दो इनपुट सेम होती है तो उसकी आउटपुट जो है वो क्या हो जाती है जीरो। और वही दोनों जीरो जो है वो एंड गेट को भी मिल रहे हैं, तो एंड गेट को ये वाला जो जीरो है यहां से मिलने वाला ये हो जाएगा यहां पे इन्वर्टर में से गुजरने के बाद वन, और ये वाला जो है जीरो वैसे इसको जीरो करो। एंड गेट की अगर कोई भी एक इनपुट जीरो आ रही हो तो आउटपुट क्या हो जाती है जीरो, इसलिए डिफरेंस भी जीरो आ गया और बारो भी जीरो, यहां पे डिफरेंस भी जीरो और बारो भी जीरो आ गया। तो साफ कर देते हैं और नेक्स्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट में ए जो है आपके पास जीरो है और बी वन, इसी तरह से हम यहां पर भी ए जीरो और बी अब वन, तो हमने यहां से एक्सक्लूसिव ऑर गेट को जब दो इनपुट्स जो है वो दी है एक जीरो है और एक वन है, दोनों इनपुट्स क्या है एक दूसरे के अपोजिट है मुखालिफ है एक दूसरे के, तो आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा वन। एंड गेट को ये वाली जो इनपुट है ये जीरो मिल रही है, इन्वर्टर में से गुजरने के बाद ये वन हो गई और यहां से एंड गेट को एक वन मिल रहा है। एंड गेट की दोनों इनपुट्स वन है तो इसकी आउटपुट क्या होगी वन। इसका डिफरेंस जो है जीरो, इसका डिफरेंस वन और बारो भी वन। उसने के क्या है मुखालिफ है तो इसकी आउटपुट क्या है
क्या मिल रही है, जीरो। तो एंड गेट का आउटपुट जो है वो क्या हो गया, जीरो। अब यहां पे डिफरेंस जो है वो आ गया वन और बारो जीरो। ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी होगी। अब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन जो है उसमें क्या है, ए भी वन है और बी भी वन। यहां पे हम बी को भी वन कर रहे हैं तो एक्सक्लूसिव मार्केट की दोनों इनपुट्स क्या है, सेम है। तो आउटपुट क्या होगी इसकी, जीरो। और एंड गेट को यहां से मिलने वाली इनपुट जो है वो आपकी है वन। तो इन्वर्टर में से गुजरने के बाद वो हो जाएगी जीरो। और ये वाली इनपुट जो है इसकी वन है। एंड गेट की कोई भी एक इनपुट जीरो होगी तो इसकी आउटपुट क्या होगी, जीरो। तो इसका डिफरेंस जो है जीरो और बारो भी क्या हो गया, जीरो। बाद में से वन को माइनस किया तो क्या आ गया, जीरो। इसलिए कोई भी हमें बारो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये चारों कंडीशंस जो है ये हमने देख ली कि जीरो में से जीरो को माइनस किया तो डिफरेंस तो जीरो था, इसमें बारो लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट कंडीशन जो है उसमें देखें तो जीरो में से वन को माइनस करना था, उसके लिए हमें बारो की जरूरत पड़ी। तो डिफरेंस वन और बारो भी वन, ये वाली कंडीशन जो है। नेक्स्ट दोनों कंडीशन जो है वो भी आपने देखा कि जब हमने वन में से वन को माइनस किया तो डिफरेंस भी वन रहा और बारो भी वन रहा। अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फुल सबट्रैक्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे।